मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेखन लेकर आया हूँ। तो आज हम औपचारिक पत्र का प्रारूप लेकर आए, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इसका प्रारूप कैसा रहता है ये आज हम समझेंगे, ठीक है। तो प्रश्न, आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ कई दिनों से गणित विषय की पढ़ाई नहीं हुई है, जिसके कारण छात्रों को कठिनाई हो रही है। समस्या से अवगत कराते हुए अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए, ठीक। ये प्रार्थना पत्र है, तो इसका उत्तर कैसा होगा उसका हम प्रारूप देख लेते हैं। तो ये पत्र कैसा है, प्रार्थना पत्र। तो हम उत्तर सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर को लिख देंगे और उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे हम प्रार्थना, प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, जो ये आपकी कॉपी रहेगी तो ये जो लाइन रहेगी यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सेवा में, सेवा में, और इधर कॉमा लगा दिए। इसके ठीक सामने हम क्या लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, ठीक है। इधर यहाँ लिख देंगे दिनांक, ये हो गई आपकी दिनांक, ठीक है। अब दिनांक कुछ भी लिख दो, मान लो 24/3/2020, या फिर आप 20 ना लिख के 2XX बना दो। जब हम परीक्षा में दिनांक लिखते हैं तो दिनांक हमेशा कैसी लिखते हैं, गलत लिखते हैं या काल्पनिक। आप दिन महीना सही लिख दीजिएगा, वर्ष जो साल रहता है उसकी जगह क्या कर दो, 2XX। और जब किसी को वास्तव में पत्र लिखेंगे तब हम दिनांक क्या बिल्कुल सही लिखेंगे, ठीक है। तो हम दिनांक को अगर वहाँ ना लिखें तो आप सेवा में इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक। सेवा में लिखने के बाद हम फिर लिखेंगे प्राचार महोदय, प्राचार महोदय, ठीक। फिर अब विद्यालय का नाम, तो हम विद्यालय का नाम भी कैसा लिखेंगे, काल्पनिक ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं का खा गा विद्यालय हम कहीं का भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया आगरा, ठीक है। आप जो विद्यालय का नाम है अपनी तरफ से कोई भी जो आपको उचित लगे जैसा भी वैसा लिखना है, और काल्पनिक ही लिखना है, विद्यालय का सही नाम ना लिखें तो ठीक है। कब, जब हम परीक्षा में इस पत्र को लिख रहे होंगे, ये हो गया। अब उसके बाद ठीक इसी के नीचे हम लिखेंगे क्या, विषय। तो ये विषय, अब विषय प्रश्न क्या था, हम सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रश्न जो रहेगा पत्र का उसको ठीक से पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद ही लिखना शुरू करेंगे। तो उसमें गणित पढ़ा विषय से संबंधित पत्र था, तो हम यहाँ लिख देंगे गणित विषय के संबंध में, ठीक। विषय जितना छोटे छोटा लिखेंगे उतना अच्छा है, और विषय ऐसा रहे जिसमें पूरा प्रश्न आ जाए। आप गणित विषय के संबंध में अगर ऐसा ना लिखें तो गणित विषय को कई दिनों से पढ़ाए ना जाने के विषय में ऐसा लिख सकते हैं, या गणित विषय की समस्या के संबंध में। इस तरह से कई प्रकार के विषय हो सकते हैं, उनमें से कोई आप जो आपको उचित लगे उसको ही हम लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम इसी के ठीक नीचे लिख देंगे महोदय, ये लिख दिया महोदय और यहाँ कॉमा लगा दिया, ठीक। अब इसी के नीचे से हम लिखना
शुरू करेंगे। तो ये कुछ लाइन है जो आप हमेशा के लिए याद कर लो। नीचे लिख देते हैं, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि ठीक आप उत्तर लिखेंगे उसके बाद प्रार्थना पर, फिर सेवा में ठीक उसी के सामने दिनांक या इसके नीचे, उसके नीचे ही प्राचार महोदय काका विद्यालय आगरा, उसके ही ठीक नीचे सीक्वेंस में हम लिखते चले जाएंगे, इधर उधर बिल्कुल ना करें। ठीक महोदय, और ये लाइन आप हमेशा के लिए याद कर लो, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि, इतना तो आप याद कर लो। किसके लिए? औपचारिक के लिए। कोई भी औपचारिक प्रश्न पूछा जाए उसमें ये आप इसी तरह से लिख दें। ठीक, अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपना परिचय, ठीक, और समस्या, ये रहेगी शुरू में। अपना हम परिचय देंगे और समस्या क्या वो लिखेंगे। ठीक, तो परिचय में क्या, मैं जैसे कक्षा दसवीं में पढ़ता हूँ, मेरा नाम काखागा है, और समस्या क्या है कि कई दिनों से गणित विषय को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये तो होगी समस्या। ठीक, और उसके बाद फिर हम दूसरे आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे गणित, यानी जो भी हो समस्या, ठीक है, गणित विषय के शिक्षक लिख लेते हैं, गणित विषय के शिक्षक की समस्या, की समस्या, ये परिचय और समस्या के बाद लिखेंगे गणित विषय के शिक्षक की समस्या। अब गणित विषय की जो भी समस्या, जैसे वह कई दिनों से बीमार हो वो उल्लेख कर सकते हैं, या दूसरा कारण हो वो समस्या हम लिख देंगे। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर करेंगे आगे अनुरोध, अनुरोध है कि, अब इसमें हम क्या करेंगे, आप प्राचार्य से समस्या के समाधान के लिए लिखेंगे, यानी समस्या का समाधान, इसके शिक्षक की समस्या के बाद हम ये लिखेंगे कि जो ये विषय की समस्या, यानी कई दिनों से गणित की क्लास नहीं लग रही तो उसकी समस्या का समाधान करिए, यानी अनुरोध करेंगे कि अनुरोध है, आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करेंगे। इसी तरह से किसी भी विषय पर पूछा जाए उसमें ऐसे ही रहेगा, अपना परिचय, समस्या, और जो समस्या है जिसके बारे में ही लिखना, और यहाँ पर समस्या का समाधान, ये तीन चीज़ें ही मेन रहती हैं। ठीक है, उसके पश्चात प्राचार्य को अनुरोध करते हुए हम समाधान के लिए लिखेंगे, और उसके ठीक नीचे फिर हम लिख देंगे धन्यवाद, धन्यवाद, फिर
इसके नीचे हम लिख देंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। अब उसमें हम क्या लिख देंगे का खा गा, ठीक। अब नीचे हम लिख देंगे कक्षा, हमने कक्षा चूंकि दसवीं लिखी थी इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे दसवीं। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा पूरा औपचारिक पत्र का प्रारूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर छात्र दिया है, अगर किसी संपादक को लिखना तो हम वहाँ पर एक भौदी या नगरवासी या जागरूक नागरिक लिख सकते हैं, और यहाँ पर का खागा लिख देंगे और क्लास उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर जहाँ पर कक्षा क्लास की आवश्यकता पड़े तो लिखेंगे, और नहीं पड़ेगी तो फिर नहीं लिखेंगे। इस तरह से ये क्या हो गया आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब ये दिखाई कैसा देता है हम इसे टाइप करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पूरा पत्र। और अगर इसमें आपको कोई समस्या आ रही हो, समझ में ना आया हो, तो आप प्रश्न करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे भी प्रश्नों के पत्र के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और पत्र लिखना सीखेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको समस्या आ रही हो पत्र को लिखने में, तो आप हमें वो प्रश्न लिखकर भेजें। मैं कोशिश करूंगा आपको वो उसका उत्तर यानी पत्र लिखने का प्रारूप और पत्र दोनों लिखकर हम भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।